शुद्धि का बात कहा है। अंतकरण शुद्धि होना चाहिए, वरना हरि दर्शन संभव नहीं होगा। अंतकरण शुद्धि भागवत में भी इस बात का चर्चा है। शुद्धिर निनाम मनुष्य को शुद्धि चाहिए, देह शुद्धि, मन शुद्धि, आत्म शुद्धि, करण शुद्धि। दो प्रकार का करण, एक बहिकरण, एक अंतकरण। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, हाथ पैर आयु उदर उपस्थ पंच कर्मेंद्रिय, चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा तप पंच ज्ञानेन्द्रिय। ये हम इंद्रिय से जो काम करते वो अच्छा काम होना चाहिए, वरना इस वहीकरण का शुद्धि नहीं होगा, और वहीकरण का शुद्धि नहीं होगा तो अंतकरण का शुद्धि संभव नहीं है, और अंतकरण शुद्ध नहीं हुआ तो हरि दर्शन आपके लिए अधरा रह जाएगा। आंख से भगवान का अगर देखे, हाथ से हरि सेवा करे, पैर से हरि मंदिर का परिक्रमा करे, इस तरह से वही करण यदि हरि सेवा होता है, वही करण द्वारा पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से आप यदि हरि सेवा करते हैं क्रमपंथा में, धीरे धीरे आपका वही करण शुद्ध होगा। वही करण शुद्ध होने से धीरे धीरे अंतकरण, अंतकरण मतलब मन बुद्धि अहंकार हृदय चित्त, वही अंतकरण, बहिकरण और अंतकरण शुद्ध होगा तो आपको हरि दर्शन करने का योग्यता मिल सकता है। हरि कृपा, गुरु कृपा, साधु कृपा से आप हरि दर्शन का योग्यता आपको मिल सकता है, लेकिन सबसे पहले साधन के द्वारा अंतकरण का शुद्धि जरूरी। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी गलत काम नहीं करते हैं, और अच्छा काम भी करते हैं तो भी उसका अंतकरण शुद्धि पूरा रूप से नहीं होगा जब तक बहिकरण के द्वारा वो हरि सेवा नहीं करेंगे। आंख से हरि का धाम, हरि का रूप देखना है, कान से हरि कथा सुनना है, मुंह से हरि नाम कीर्तन करना है, हाथ से हरि सेवा करना है, पैर से हरि मंदिर परिक्रमा करना है। इस तरह से जब बहिकरण 10 इंद्रिया हरि सेवा में लग जाए तो पूर्ण रूप से उसका शुद्धि होगा। चैतन्य महाप्रभु ने बताया चेत दर्पण मार्जन, चैतन्य महाप्रभु अंतकरण शुद्धि के लिए बोला कि करण शुद्धि नहीं होगा तो हरि दर्शन नहीं होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले कि गाओ, कृष्ण गुण गाओ, हरि नाम करो, हरि कीर्तन करो। सर्वात्म श्रवणम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन के द्वारा बहिकरण और अंतकरण का शुद्धि चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इसलिए कोई भी ब्रह्मचारी गृही जो भी हो, गलत काम करना नहीं चाहिए। हरि सेवा में इंद्रियों को पूरी तरह से डूबो के रखना चाहिए। अलसता को छोड़कर 10 इंद्रिय से हरि सभा में डूब लग जाओ, एकदम हरि सभा में मग्न हो जाओ, होते होते तुम्हारा अंतकरण शुद्धि हो जाएगा तो जिंदगी में हरि दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। भक्तिविनोद ठाकुर क्या कहते हैं, जन्म सफलता कृष्ण दर्शन जात, भाग्य वही आछे एक बार। अगर एक बार भी कृष्ण दर्शन हुआ तो तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। उसके लिए इंद्रियों को कंट्रोल करो, इंद्रियों को खराब काम में मत लगाओ। आजकल तो कोई नहीं देख सकता है, फोन में लेकर इंद्रियों को खराब काम में लगा सकता है, मोबाइल में। मोबाइल लेकर रात को बैठ जाए
तो हमारा मन हमारा आंख तरफ काम कर सकता है गोपन में, कोई नहीं जान सकेगा। खराब चीज को देखेंगे वो भी हरि दर्शन के बाधा है, हरि दर्शन में बाधा देगा, क्योंकि तुम आंख को कान को कान में ब्लूटूथ लगा लिया, कोई नहीं जानेगा हम सुन रहे हैं लारे लप्पा, ऐसा शब्द है लारे लप्पा गाना, उससे क्या होगा हमारा अंतकरण बहिकरण शुद्धि नहीं होगा, अशुद्ध हो जाएगा, फिर हम संसार छोड़े गृह छोड़े लेकिन हम हरिदर्शन से वंचित रह जाएंगे। इस विषय में ध्यान देना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में जो लोग आए उसको खास कर ध्यान देना चाहिए, हरि कीर्तन में डूब देना चाहिए, डूबना चाहिए, मगन होना चाहिए, तब जाके अंतकरण शुद्धि संभव।